और यूएपीए आतंकी धाराओं में। ईवीएम से चुनाव होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी दोबारा सपन क्या आएगा, जीतेगा और उसके बाद इस देश में चुनाव नहीं होगा। खूब डिबेट्स होंगी और जिस दिन रमेश विदुड़ का बयान आया, उसके पर उन्होंने बातचीत कर दी है, जो जाट समाज आज सुबह से सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, वही जाट है जिनको बोला जाता है कि बीजेपी के विरुद्ध है, लेकिन इस तरीके की चीजें सामने आ रही है। उन्होंने भी यही बोला कि जब जाट कहां थे, जब जाट समाज की बेइज्जती नहीं हुई थी, इन्हीं से सवाल कर लेते हैं। काफी अहम मुद्दा आपने छेड़ा कि जाट समाज को ये दिखाया जा रहा है कि जगदीप धनखड़ जी जाट है, ट्रेंड भी कर रहा है, क्या दिखाने की कोशिश है, किस तरीके के ट्रेंड चल रहे हैं? धनखड़ जी की जात क्या है, कौन बता रहा है? भाजपा जाट है। मोदी जी साक्षी मलिक क्या है? वो भी तो भारत की नाम रोशन करने वाली बेटी, उसी जाट समाज से आती है। ये तो जाटों को फैसला करना है कि उनको अपना सम्मान धनखड़ जी में दिखता है या अपनी बेटी साक्षी मलिक, जिसके यौन उत्पीड़न का गंभीर आरोपों का आरोप भाजपा के सांसद ब्रजभूषण पर लड़ते हैं, तब बेटी की जात याद नहीं आती है? तो ये जात मिलाकर छोटा कर रहे हैं। मुद्दा बेरोजगारी सबसे बड़ा, न सरहद सुरक्षित, न संसद सुरक्षित, न देश की बेटियां सुरक्षित है। कि ये जो चार युवा है, कोई हरियाणा से, कोई कर्नाटक से, कोई महाराष्ट्र से है, ये चार युवा भारत के हैं, ये चारों युवा गरीब परिवार के हैं, ये चारों युवा पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, इन चारों युवाओं के हाथ में हथियार नहीं बिक्री थी और आपने इन चारों पर यूएपीए आतंकी धाराओं में आरोप लगाकर उन्हें पुलिस हिरासत में भेज दिया है, लेकिन भाजपा का सांसद आज भी आजाद घूम रहा है। अगर तानाशाह सत्ता नहीं चाहती कि यहाँ पर जो युवा कांग्रेस का युवा करोड़ों देश के बेरोजगार युवाओं की आवाज पर करा जाया है, आप नहीं चाहते कि ये या वो करोड़ों युवा बेरोजगार यही कदम उठाने पर मजबूर हो जो वो उठाने पर मजबूर हुए हैं, तो आइए बेरोजगारी पर चर्चा करिए संसद में खड़े होकर। हमको बर्खास्त करने के पीछे कारण क्या है? हमने तो सिर्फ इतनी मांग की, गृह मंत्री जी आइए और जवाब दीजिए। हमारे 140 सांसद बर्खास्त होते ही संसद में बिल लेकर आए हैं और बहुमत के दम पर पास करवा दिया कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो कमेटी करेगी उससे मुख्य न्यायाधीश को बाहर कर दिया गया है, ताकि ये तानाशाह सरकार चुनावों से पहले अपने मन मुताबिक अपने चुनाव आयुक्त और अपने चुनावी दो सदस्यों की नियुक्ति कर सके, अपने मुताबिक चुनाव करा सके। हरण मोदी ने किया है, ऐसा चीरहरण अब से पहले कभी किसी ने नहीं किया, न कभी हुआ। संसद में 3 दिन में राज्यसभा और लोकसभा से 141 सदस्यों का बकाया सत्र के लिए निलंबन कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया। ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। किसलिए किया जा रहा है? क्या इसके पीछे वो साजिश है कि जो कानूनी संशोधन आने हैं, सीआरपीसी आईपीसी वगैरह में जो सब आने हैं, जिसके बाद ये देश का जो राज है पूरी तरह से पुलिस राज में बदल जाएगा, क्या उसमें किसी भी तरह की चर्चा न हो, किसी भी तरह की बाधा न हो और केवल सरकार के ही लोग बैठे रहे और वो यू ही पास होकर चले जाए, क्या इसलिए किया जा रहा है उनका सस्पेंशन? के भीतर कहो ना, सवाल दो ना, सवाल के जवाब दो ना, जो सवाल विपक्ष पूछ रहा है उसका जवाब दो ना, लेकिन नहीं, डर इस कदर है कि किसी भी हालत में चर्चा ना हो जाए। और यही बात कि वो आप देखते ना एक नारा, आप उसको नारे को कैलकुलेट करके देखो, मिलाओ कि वन नेशन वन इलेक्शन और वन बस मोदी राजा, मोदी का इलेक्शन और किसी का नहीं, कोई और नहीं रहेगा, अपने लिए बनाइए, उसी में चक्कर काटेगा। आलोक जी, हर बात पर लोकतंत्र का गला घुटता है इस देश में, लेकिन ये बताइए कि हंगामा करे विपक्षी सांसद तो कार्रवाई किस पर होगी? कब तक आप अरुण जेटली और सुषमा स्वराज जी के बयान को कोट करके उसे आड़ बनाकर हंगामा करेंगे, सदन की कार्यवाही नहीं चलने देंगे जानबूझकर, और उसके बाद कहेंगे लोकतंत्र का गला घुट रहा है? आइए देखते हैं, मजा आएगा। 2.5 महीने तक 2G पर यह संसद नहीं चली और उसके बाद सरकार आने के बाद सबको बरी कर दिया। किसने नहीं चलने दी थी? हमने कितने सांसद सस्पेंड किए थे? पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में इतने सांसद पूरे सत्र के लिए सस्पेंड हुए हो, आप जरा इतिहास उठाकर देखिए। इससे बड़ा एग्जाम्पल लोकतंत्र का गला घोटने का कोई नहीं होगा। गृहमंत्री इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में आकर वक्तव्य दे सकते हैं लेकिन सदन में नहीं दे सकते। 5 महीने तक मणिपुर जल सकता है, देश के प्रधानमंत्री जब तक के नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं आता है उसमें भी ठहाके लगा रहे हैं, एक अकेला सब पर भारी, उसके बाद वक्तव्य देते हैं। संसद नहीं है, अब माखौल बना दिया है सदन का। और उसके बाद ये 303 सांसदों वाली भाजपा हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी की क्रूर हत्या करते हुए देख रही है। ये तो सरकार के मुंह पर तमाचा है, क्या विपक्ष संसद को चला रहा है? मुझे आज अरुण जेटली और सुषमा स्वराज जी के वो वाक्य याद हैं कि सरकार सदन को चलाना सरकार का काम है, विपक्ष